नमस्कार, मैं पूजा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साची बात में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा लेने वाले शतरंज खिलाड़ियों से रूबरू करवाऊंगी और साथ ही उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको देने वाली हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एशियन गेम्स 2023 में इंडियन चेस स्क्वाड टीम में कुल 10 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें पहले स्थान पर है गुकेश डी, जो कि एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। यह ग्रैंड मास्टर नामक खिताब हासिल करने वाले इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। और दूसरे स्थान पर है विदित संतोष गुजराती, इन्होंने जनवरी 2013 में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। अगस्त 2022 तक वे भारत में विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे सबसे अधिक रेटिंग वाले खिलाड़ी हैं। तीसरे स्थान पर है अर्जुन एरिगेसी, जो कि एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। शतरंज के प्रतिभावान खिलाड़ी, उन्होंने 14 साल 11 महीने 13 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया, जिससे वे ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले 32वें सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। आपको बता दें कि अर्जुन एरिगेसी ने 2022 में इंडियन नेशनल चैंपियनशिप जीती और देश का नाम रोशन किया। अब बात करते हैं हमारे अगले ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम है पेंटाला हरिकृष्णा। यह एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और यह 12 सितंबर 2001 को भारत से सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने। यह वर्ष 2001 में कॉमनवेल्थ चैंपियन, 2004 में विश्व जूनियर चैंपियन और 2011 में एशियाई व्यक्तिगत चैंपियन थे। पांचवें स्थान पर है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, जो कि एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। शतरंज के प्रतिभावान खिलाड़ी, इन्होंने 10 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल किया और 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। छठे स्थान पर है हम्पी कोनेरू, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है और रैपिड चेस में वर्तमान विश्व चैंपियन भी है। आपको बता दें कि हम्पी शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर है। इस कीर्तिमान को उन्होंने 2002 में 15 साल की उम्र में हासिल किया था। अब बात करते हैं हरिका द्रोणवल्ली, जो कि एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, जिनके पास ग्रैंड मास्टर का फाइड फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएक्स खिताब है, जो कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फाइड खिताब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज शासी निकाय फाइड द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही उन्होंने वर्ष 2012, 2015 और 2017 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीते हैं। हरिका द्रोणवल्ली एक शतरंज ग्रैंड मास्टर है और हम्पी कोनेरू के बाद ग्रैंड मास्टर बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। आठवें स्थान पर है आर वैशाली, यह एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 14 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यह 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की बड़ी बहन है। नवे स्थान पर है वंतिका अग्रवाल। एशियन गेम्स से पहले भारत की चेस खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल शानदार लय में चल रही है। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं। इस दौरान उन्होंने फाइड रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ में 61 अंक प्राप्त किए हैं। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर वह देश की तीसरी सबसे बेहतरीन रैंकिंग वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अब वंतिका से ऊपर सिर्फ हम्पी कोनेरू और हरिका द्रोणवल्ली हैं। आपको बता दें, हम्पी देश की शीर्ष रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ी है, वहीं हरिका दूसरे स्थान पर है। वहीं 10वें स्थान पर है सविता श्रीबी, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य की एक भारतीय शतरंज महिला फाइड मास्टर है। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होंगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल साची बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।